हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइड साक्षी धुंजल। और आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं पांच या मतलब बेस्ट कैफेज, नॉट पांच बट बेस्ट कैफेज, तभी तो कह रही हूँ बेस्ट कैफेज। देखते हैं ना कौन कौन से अच्छे हैं भाई। पांच वाली गाइस, अगर कुछ होता है कहीं पे भी नदी में फैलता हुआ दिख जाऊं तो आज मैं कवर कर रही हूँ बेस्ट कैफेज यहाँ के। और मुझे पता है मैंने इनको भी बोला था मैं आऊँगी, बट अभी तक मैं इनके पास वापस गई नहीं। सो मैं आज कवर कर रही हूँ यहाँ के बेस्ट कैफेज। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी धंजल। और मैं पहले कैफे आ चुकी हूँ, दैट इज़ पैपी होम स्टे प्लस कैफे। और मैं ट्राई करने वाली हूँ पास्ता यहाँ पे, बिकॉज आई एम स्टार्विंग। अच्छा, यम है, पहले खाए बिना यम है, मतलब हम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है पास्ता और व्यू तो है ही मार्वलस। तो पास्ता ट्राई करते हैं इस व्यू के साथ। तो मैं राकेश से रिक्वेस्ट करूँगी पास्ता डाल दो सर। इट्स एक्चुअली गुड, अच्छा है। राकेश का रिव्यू लेते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस, ये है इनका मेन्यू प्राइस। एंड हमने खाया था व्हाइट सॉस पास्ता, जिसके हुए 350। ओके, सो इट्स एक्चुअली रीजनेबल। सो दैट्स अनदर कैफे, टांडी कैफे, जो कि जिब्बी से 30 मिनट्स की डिस्टेंस पर है, मतलब 7 किलोमीटर अराउंड। यहाँ पे आपका सिर्फ या तो अपना व्हीकल, या फिर आप अगर स्कूटी या बाइक लेते हो, या फिर आप टैक्सीज में जा सकते हो। सो दिस वर्थ गोइंग। यहाँ का फूड इज़ अमेजिंग। सो आई हैड पास्ता दैट टाइम। एंड उसके अलावा मतलब द बेस्ट थिंग, यहाँ पे एप्पल और चाड़े, मतलब पूरा एप्पल का एरिया, सो यू कैन एक्चुअली सी एप्पल ऑल अराउंड। और पहाड़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। एंड जो मेन्यू कॉस्ट करेगा वो INR मतलब पर पर्सन इन रेट अराउंड 250 से लेके 1000 के रेंज में कोर्स करेगा यहाँ का मेन्यू। कोई था ही नहीं आज खिलाने वाला वहाँ पे, कभी कभी आ जाते हैं। पता है जब फूड की चॉइस आते हैं तो हम एक बार कई बार जगह भी प्रेफर करते हैं कि जगह अच्छी होनी चाहिए। और ये जगह है वाटर व्यू के साथ, मतलब मेरे सामने पुष्पभद्रा रिवर है इस वक्त। और मैं हूँ इस वक्त कैफे बेला में। ये मेरा लास्ट स्पॉट है आज का, ये मेरा तीसरा स्पॉट है एक तरीके से। आई हेट यू फॉर दिस। सो मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। एंड मतलब यहाँ का फूड बहुत ही गुड है, कहते हैं ना, मतलब अच्छा क्वालिटी वाइज भी। हम तीसरा कैफे कवर कर रहे हैं आज का एक तरीके से। एंड तो अब ये तैयार हो गया भाई। आप खुद बनाते हो ना पिज्ज़ा का बेस, और इसके नीचे मतलब ये किसका, मैदे का बेस है या मिक्स, मतलब मोटापे के निशान। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। एंड बताना कमेंट में कौन सा कैफ़े पसंद आया, या कहाँ का फूड पसंद आया, आपको कौन सा फूड पसंद है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट प्लेस।